तो सीधे चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आ गई है, पंचायत चुनाव के लिए स्क्रूटनी आज की जानी है, दूसरे चरण की स्क्रूटनी आज होगी। तो बता दें कि 31 अक्टूबर तक ले सकते हैं नामांकन वापस। कल जिला परिषद के लिए वोटिंग होनी है, 2 नवंबर को पंच सरपंच के लिए वोटिंग की जाएगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, बड़ी जानकारी, कल जिला परिषद के लिए वोटिंग की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि 2 नवंबर को पंच और सरपंच के लिए वोटिंग की जाएगी। तो प्रशासन ने भी सभी तैयारियां यहां पर पुख्ता कर ली है। इस वक्त की अहम जानकारी है, दूसरे चरण की स्क्रूटनी आज होनी है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता परमजीत पवार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। परमजीत, जिस तरीके से आज स्क्रूटनी होनी है और 31 तारीख को नामांकन वापस भी लिया जा सकता है, उसके बाद वोटिंग भी की जाएगी। आपको बता दें कि 2 नवंबर को पंच सरपंच के लिए भी वोटिंग होनी है, पूरे मामले को लेकर अभी अपडेट क्या मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई, हालांकि कल जो है मतदान होगा और जो लोगों में विकास काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए 882 बूथ बनाए गए हैं, 25 जो है जिला पार्षद के चुनाव होंगे और ब्लॉक समिति के जो मेंबर हैं उनके चुनाव होंगे, तो काफी उत्साह जो है लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। और देखिए जो अति संवेदनशील बूथ है वहाँ ड्यूटी जो पुलिस कर्मचारी को ज्यादा ड्यूटी लगाई गई है और जो उसको भी जो है वहाँ पे ड्यूटी लगा दी गई है और जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि कल उनकी मीटिंग ली गई थी जींद के जो डीसी हैं मनोज कुमार, उनका कहना है कि कल जो है डीसी मनोज कुमार डीसी ने उनकी मीटिंग ली थी और मीटिंग के बाद उनको ईवीएम मशीनें देकर वहां से रवाना कर दिया था। अपने अपने बूथों पर वो जो है पहुंचने लगे हैं और सुबह कल जो है 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। इसको लेकर के जो जींद के SSP हैं नरेंद्र विरानिया, उनका साफ तौर पर कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से पूरे प्रबंध किए गए हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। उसको लेकर के जो है अधिकारी है उनसे ड्यूटियां लगा दी गई है ताकि शांतिपूर्वक जो है चुनाव करवा जा सके। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से तैयारियां तो एक तरफ लगातार जारी है, आने वाले समय में काफ़ी बड़े चुनाव माने जा रहे हैं क्योंकि छोटी सरकार चुन रही है, लेकिन अगर गांव देहात की बात करते हैं तो वहां पर अभी क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए प्रथम चुनाव की अगर बात की जाए तो कल और परसों के चुनाव 2 नवंबर को होने हैं। हालांकि उसको लेकर के जो गाँव में जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं वो लोगों से वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं और जो उनके जो मुद्दे हैं बात की जाए, जैसे सड़कें हैं या फिर गलियां हैं, पानी की बात की जाए, पीने के पानी की जो समस्या है उसको दूर करवाया जाएगा। हालांकि तमाम मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए फिलहाल की अगर बात करें तो जो कल मतदान होगा जो है पार्षद चुनाव को लेकर उसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। जी बिल्कुल, लेकिन परमजी जिस तरीके से मतदान को लेकर तैयारी भी हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से फ्लैग मार्च भी पुलिस के द्वारा निकाला जा रहा है, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी यहाँ पर की जा रही है, लेकिन अगर पुलिस अधिकारी की बात करें तो और क्या कुछ इंतजाम उनकी तरफ से कर रखे हैं, क्योंकि जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं पोलिंग बूथ पर, तो वहां पर भी क्या कुछ देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए चलिए ठीक है परमजीत, मैं आपके पास दोबारा भी लौटूंगा, बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर स्क्रूटनी आज होनी है, छोटी सरकार चुनने का वक्त नजदीक आ गया है, दूसरे चरण की स्क्रूटनी आज होनी है। तो आपको बता दें कि 31 अक्टूबर तक नामांकन वापस भी लिया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कल जिला परिषद के लिए वोटिंग की जानी है। तो छोटी सरकार चुनने की जो घड़ी है वो बेहद नजदीक आ चुकी है, लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी भी अंतिम चरण में चल रही है। तो आपको बता दें कि हर एक तरफ तैयारियों का जो दौर है वो लगातार देखने को मिल रहा है, ऐसे में जो लोग हैं उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि हम ऐसे शख्स को चुनेंगे जो हमारे गांव का और हमारा विकास करा सके। तो 2 नवंबर को पंच और सरपंच के लिए चुनाव होना है। तो झज्जर का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता श्याम अलावत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, जिस तरीके से स्क्रूटनी भी आज अंतिम चरण में है, दूसरे चरण की, लेकिन अगर तैयारियों की बात की जाए तो झज्जर में भी और क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, नगर पालिका जिला परिषद और पंचायत के चुनाव की अगर बात करें तो जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ इस तैयारी में जुटा हुआ है। झज्जर जिले में टोटल 7 ब्लॉक हैं, 7 ब्लॉक में 754 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें अलग अलग बूथ की ब्लॉक वाइज अगर बात करें तो बादली में 74 बूथ बनाए गए हैं, बादली में 201, बेरी में 126, झज्जर में 122, 58 व मातनेल में 109 बूथ बनाए गए हैं।
वहीं जो मातने ब्लॉक है उसमें 64 बूथ बनाए गए हैं। कुल मिलाकर अगर झज्जर की बात की जाए तो झज्जर जिला प्रशासन की ओर से विशेष तैयारियां की गई हैं और बड़ा चाक चौबंद प्रयास उनके दिखाई देते हैं। अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन की ओर से भी झज्जर जिले में विशेष प्रबंध देखने को मिल रहे हैं। यहाँ करीब 64 अलग अलग जो है नाके लगाए गए हैं, जहां अलग अलग लेयर की जो है सुरक्षा तैयारियां की गई है। इसके साथ ही बाहर से जो फोर्स भी बुलाई गई है, ताकि क्योंकि झज्जर जिले के कई गांव ऐसे हैं जो संवेदनशील रहे हैं और विभिन्न जो गैंगवार रही हैं उनकी स्थितियों को देखते हुए उन गांवों को जो है विशेष संवेदनशील मानते हुए वहां विशेष फोर्स का डिप्यूट की गई है। इसके साथ ही एक और बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि झज्जर जिले में जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन की ओर से करीब 300 जो पिस्टल या गन लाइसेंस के धारक थे, जिनके द्वारा उनके लाइसेंस जो हथियार है वो जिला प्रशासन के पास जमा नहीं कराए गए, पुलिस की ओर से उनको भी जो है रद्द किए जाने की सिफारिश आला कमान को की गई है कि जो है स्थानीय जो प्रदेश सरकार है उसके अधिकारी जो हैं इसके ऊपर कार्रवाई कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है कि जो लाइसेंसी हथियार है या अवैध हथियार है उनसे चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है, डरा धमका जा सकता है वोटर्स को। तो इसी के मद्देनजर प्रशासन की ओर से पहले ही आदेश जारी किए गए थे कि जिनके लाइसेंस हैं वो अपने हथियारों को जो है प्रशासन के पास जमा कराएं, लेकिन उसके बावजूद भी 300 लोग ऐसे मिले जिनको जिन्होंने अपने लाइसेंस हथियार जमा नहीं कराए और उनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। चलिए ठीक है श्याम, दोबारा आपके पास लौटूंगा। जिनका रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता परमजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। परमजीत, जिस तरीके से श्याम भी अभी जानकारी दे रहे थे, जहां पर जिन्होंने लाइसेंस नहीं जमा कराए हैं उनके लाइसेंस भी रद्द करने की जो सिफारिश है वो ऊपर भेज दी गई है। अगर जींद की बात कर लेते हैं तो वहां पर लाइसेंस को लेकर भी क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कितने लोगों ने जमा कराए हैं और जो लोग नहीं जमा करवा पाए हैं उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल, देखिए जींद के जो एसएसपी नरेंद्र सिरानिया, उन्होंने मीटिंग ली थी। हालांकि उनका कहना था कि अगर देखिए चुनाव के चलते जो जिन्होंने अपने जो बंदूक के नहीं जमा करवाई है तो उनके जो लाइसेंस है वो रद्द किए जाएंगे। हालांकि इसको लेकर तमाम तरह की जो तैयारियां है वो पूरी कर ली गई चुनाव को लेकर। हालांकि कल जो है चुनाव होंगे, हालांकि कल की बात की जाए तो 282 बूथ बनाए गए हैं, जिला पार्षद से चुनाव होने हैं, 35 पार्षद चुने जाएंगे, कल जो है मतदान होना है और उसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और लोगों का भी कहना है कि जो अब की बार हमारे जो मुद्दे हैं उनका विकास कराएगा, हम उसी को जो है वोट देंगे। और लगातार जो है जो जींद के डीसी हैं उनकी तरफ से बार बार अपील की जा रही है कि जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण करवाए जाएंगे, लेकिन तमाम अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। और देखिए जो जिन्होंने ईवीएम जो है जो अधिकारी हैं उनकी मीटिंग ली गई थी तो वो ईवीएम लेकर रवाना कर दिए गए हैं। और देखिए तमाम तरह की जो तैयारियां थी वो यहाँ पे पूरी कर ली गई है। जी चलिए ठीक है, आपके पास दोबारा रुख किया जाएगा। तो फिलहाल लेकिन श्याम, जिस तरीके से बात की जाए तैयारियों की, अगर बात की जाती है तो प्रशासन के तरफ से पुख्ता तैयारियों की बात तो हमेशा ही कही जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही भी यहाँ पर देखने को मिलती है। क्योंकि जिस तरीके से अभी आप भी जिक्र कर रहे थे कि जो गन धारक है उनके द्वारा हथियार नहीं अभी तक जमा करवा पाए हैं, तो ऐसे में चुनाव से पहले और क्या कुछ अभी वहां पर देखने को मिल रहा है, किस तरीके से प्रशासन सही सलामत चुनाव करवाने की तैयारियों में जुटा हुआ है? जी बिल्कुल, एक विशेष बात जो मैंने जैसे आपको पहले बताया अवैध जो लाइसेंसी हथियारों को लेके है, उसी प्रकार अवैध जो गतिविधियां झज्जर में जिले होने की संभावना सबसे ज्यादा आशंका रहती है, क्योंकि यहाँ कई जो गैंग के तार जो है बड़े प्रदेश दूसरे प्रदेशों से जुड़े जो गैंग है बड़े उनके तार भी यहाँ तक जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही जो एनसीआर का क्षेत्र जो झज्जर जो जिला है वो दिल्ली को काफी दूर तक टच करता है, वही राजस्थान का से एरिया टच होता है, कुछ एरिया जो है हमारा जो है यूपी की तरफ से भी टच होता है। तो इसको देखते हुए भी जो है जिला प्रशासन की ओर से विशेष नाके लगाए गए हैं, ताकि कोई असामाजिक तत्व दूसरे प्रदेश से या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जो है इस तरह की असामाजिक गतिविधियों को अंजाम ना दे सके, इसके लिए भी पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष जो है कार्रवाई की गई है। श्याम, जो लोग अपाहिज है उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था कर रखी है प्रशासन ने कि वो सही सलामत वोट डाल पाए, कोई व्यवस्था उनके लिए? जी बिल्कुल, इसके बारे में भी जिला प्रशासन की ओर से विशेष जो बूथ बनाए गए हैं बूथों के ऊपर विशेष सुविधाएं दी गई है, ट्राई साइकिल्स का प्रबंध किया गया है। इसके अलावा जो एम्बुलेंस है या डॉक्टर्स की टीम है वो भी स्थानीय जो अलग अलग बूथों के ऊपर जो है राउंड लेती रहेगी, और जो स्थानीय सीएससी पीएससी के जो लोग हैं वहाँ बूथ लेवल के ऊपर वो तैनात किए गए हैं, ताकि कोई बीमार होता है या किसी के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उसको मौके पर संभाला जा सके।
ठीक है परमजीत, कल जिला परिषद के लिए वोटिंग भी यहाँ पर की जानी है, ऐसे में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लोगों में तो काफी उत्साह देखने को मिल ही रहा है। लेकिन अगर प्रशासन और पुलिस प्रशासन की बात कर लेते हैं तो उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से हम भी जिक्र कर रहे थे कि जो सीमाएं हैं और क्षेत्रों की वो भी छूती है हमारे क्षेत्र को, ऐसे में और क्या कुछ अभी देखने को वहां पर मिल रहा है क्योंकि कल वोटिंग होनी है, पोलिंग बूथ कर जो बूथ है उस पर क्या कुछ व्यवस्था है कि लोगों को कोई भी असुविधा ना हो? बिल्कुल, देखिए तीन जिले में जो है नाके लगाए गए हैं, हालांकि रात को ही नाके लगा दिए गए थे। जो भी गाड़ी बाहर से आती है, जिस पे डाउटफुल होता है, उसको जो है पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है और तब जाके जो है उसकी एंट्री की जाती है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो पुलिस के आला अधिकारी ड्यूटी लगा दी गई है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो जींद के SSP नरेंद्र सिंह बिरानी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी प्रकार का जो है यहाँ पे ऐसा तत्व नहीं आना चाहिए। अगर कोई ऐसा आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो चुनाव है वो शांतिपूर्वक करवाए जाएंगे। हालांकि इसको लेकर के पुलिस ने जो है जगह जगह नाके लगा दिए गए हैं। जैसे पोलिंग बूथ की दरबार की जाए, जहाँ बूथ है, तो उसमें करीबन 4 कर्मचारियों ड्यूटी लगा दी गई है और एक ही देखिए जो एजेंट है वो ही अलाउड किया गया है और कोई भी अलाउड नहीं होगा। तो लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि कल वोटिंग का दिन है। लोग हालांकि जो जीत गए जीती है मनोज कुमार, उनका साफ तौर पर कहना है कि लोगों से अपील की जा रही थी, आप अपने मत का सही उपयोग कीजिए। सुबह 7 बजे जो है सुबह 7 बजे जो है वोट डलने शुरुआत हो जाएगी। और हालांकि देखिए जो बुजुर्ग आदमी है या फिर दिव्यांग है, अपाहिज है, उनके लिए अलग से चेयर के प्रबंध किए गए हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार की उनको दिक्कत ना आए। और जिले के अंदर जो है तमाम तरह के जो तैयारियां हैं चुनाव को लेकर वो पूरी कर ली गई। चलिए ठीक है परमजीत और श्याम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर नजर बना रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे।